नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी प्रयागराज को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली पर्यटन विभाग की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इसके साथ मुख्यमंत्री योगी ने लोक भवन में 2000 करोड़ से ज्यादा की 650 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 70 से 80 करोड़ प्रयागराज की परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं। इसमें कुंभ को लेकर कई मंदिरों का सौंदर्यीकरण और कायाकल्प शामिल है। आज आपको एक नया उत्तर प्रदेश देखने को मिलता होगा और ये पर्यटन के माध्यम से हम केवल एक स्थल विशेष का किसी धार्मिक या किसी हेरिटेज या किसी इको टूरिज्म से जुड़े हुए किसी एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े हुए किसी स्थल विशेष का विकास नहीं करा रहे, बल्कि इसके माध्यम से वहां के समग्र विकास की, उसके इको सिस्टम की, वहां के एम्प्लॉयमेंट की, एक पूरे सिस्टम को एक गति भी देने का कार्य कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब सरकार की नियत साफ होती है और सरकार की गति में एक तीव्रता होती है, एक स्पीड होती है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबको देखने को मिलते हैं। प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम जहां उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन के लिए गया, वही सरकार की नियत और सरकार के द्वारा समयबद्ध तरीके से ले गए फैसले आज डबल इंजन सरकार का लाभ प्रदेशवासियों को कैसे प्राप्त हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में अयोध्या धाम, नेमिस में नेमिस तीर्थ फिर से पुनर्जीवित हो गया है, विंध्यवासिनी कॉरिडोर एक नए रूप में है, ब्रजभूमि फिर से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और हर एक क्षेत्र में, चाहे वह प्रयागराज का कुंभ हो, चित्रकूट हो, सुख तीर्थ हो, बौद्ध तीर्थ स्थल हो, यानी सूफी परंपरा हो, भक्ति परंपरा हो, शक्ति के केंद्र हो, हेरिटेज एडवेंचर से इको टूरिज्म से जुड़े हुए स्थल हो, इन सभी को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का ही परिणाम है कि जिस प्रदेश में पहले कोई आना नहीं चाहता था, आज उस प्रदेश में, मुझे याद है जब हम लोग 2017 में आए थे तो हमारा लक्ष्य था कि जितनी प्रदेश की आबादी है कम से कम इतने टूरिस्ट तो यूपी के अंदर आने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि जितने उत्तर प्रदेश की आबादी आज, उससे दुगने टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर, मिर्जापुर, बांदा, बस्ती, अमरोहा और फिरोजाबाद की महायोजना 2031 का अवलोकन किया और नियोजित विकास के लिए दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास प्राधिकरणों का उद्देश्य सुनियोजित, संतुलित और तीव्र विकास को दिशा देना है और फोकस आम आदमी की सुविधाओं पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विकास प्राधिकरणों को आय की नई संभावनाएं तलाशनी होंगी। एक नया उत्तर प्रदेश देखने को मिलता होगा और एक पर्यटन के माध्यम से हम केवल एक स्थल विशेष का किसी धार्मिक या किसी हेरिटेज या किसी इको टूरिज्म से जुड़े हुए किसी एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े हुए किसी स्थल विशेष का विकास नहीं करा रहे, बल्कि इसके माध्यम से वहां के समग्र विकास की, उसके इको सिस्टम की, वहां के एम्प्लॉयमेंट की, एक पूरे सिस्टम को एक गति भी देने का कार्य कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब सरकार की नियत साफ होती है और सरकार की गति में एक तीव्रता होती है, एक स्पीड होती है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबको देखने को मिलते हैं। प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम जहां उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन के लिए गया, वही सरकार की नियत और सरकार के द्वारा समयबद्ध तरीके से ले गए फैसले आज डबल इंजन सरकार का लाभ प्रदेशवासियों को कैसे प्राप्त हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में अयोध्या धाम,
नेमिस ने नेमिस तीर्थ फिर से पुनर्जीवित हो गया। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए कल यानी 5 मार्च का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे योगी सरकार के मंत्री परिषद की बैठक होगी और इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी और इसके बाद ही कयासों का दौर शुरू हो गया था कि जल्द ही राज्य में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। माना जा रहा है कि योगी सरकार में राष्ट्रीय लोकदल से 2, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से 1 और 2 से 3 नए नाम बीजेपी में हो सकते हैं। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विशाल व्यापारी सम्मेलन हिस्सा लेने मेरठ पहुंचे और यहां उन्होंने मंच से अब की बार 400 पार के नारे से अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि वो मेरठ की ऐतिहासिक धरती से ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी। तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर राहुल गांधी पाकिस्तान से क्यों रिश्ता जोड़ते हैं। और इस बीच रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने भी सोशल मीडिया पर अपना बायो बदला है। यूपी के मंत्रियों ने लिखा है मोदी का परिवार, एक्स पर नाम के साथ मोदी का परिवार भी जोड़ा गया है तमाम मंत्रियों की ओर से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा तमाम भारतवासियों को अपना परिवार बताने के बाद सभी बीजेपी नेताओं की ओर से सोशल मीडिया बायो में मोदी का परिवार जोड़ा गया है, जिसमें पूरे देश के नेताओं द्वारा मोदी का परिवार अपने सोशल मीडिया बायो पर लिखा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस बड़ी खबर के साथ, किस तरह से अलग अलग नेताओं मंत्रियों द्वारा सोशल मीडिया पर लिखा गया मोदी का परिवार। उधर सलमान खुर्शीद पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट पर ईडी ने कार्रवाई की। जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। ईडी द्वारा यह बड़ा एक्शन, जहां ट्रस्ट की 15 प्रॉपर्टी को अटैच किया गया। पत्नी से भी 2 बार हो चुकी है पूछताछ। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर, प्रवर्तन निदेशालय लगातार कार्रवाई कर रहा है और इस मामले में 15 प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, साथ ही साथ उनकी पत्नी से 2 बार पूछताछ भी हो चुकी है। बांदा में आयोजित तिलकोत्सव प्रोग्राम में जल संरक्षण पर पुस्तकें भेंट की गईं। तिलकोत्सव कार्यक्रम में अनूठी पहल पेश की गई। तिलक समारोह में शिरकत करने पहुंचे लोगों को प्राकृतिक संतुलन और जल है तो कल है के बारे में भी प्रेरित किया गया। मैंने बहुत लोगों को देखा कि जब लोग ब्रश करते हैं या दाढ़ी बनाते हैं उस समय नल को खुला छोड़ देते हैं जी। मेरे मन में विचार आया कि इस तरह नल खुला छोड़ने पर बहुत पानी बर्बाद होता है, उसी को मैंने जो है कार्य रूप में परिणित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जल संरक्षण के प्रति मैंने एक ये पुस्तक लिखी। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संकल्प सूर्य की आभा से सूर्य वंश की राजधानी को रोशन कर रहा है। सोलर एनर्जी प्लांट को बढ़ावा दे रही डबल इंजन सरकार में अयोध्या में उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा सोलर प्लांट तैयार किया गया है। 165 एकड़ में फैला 40 मेगावाट का ये सोलर प्लांट जरूरत के लगभग 30% हिस्से की पूर्ति करेगा, जिसके लिए पहले 5 सालों में 60% से ज्यादा घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सोलर से जोड़ने की योजना है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में भविष्य में पूरी अयोध्या की बिजली आपूर्ति इसी सोलर प्लांट के जरिए पूरी करने की तैयारी है।
नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या हर रोज विकास के नए अध्याय लिख रहा है और पूरे प्रदेश को रोशन कर रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को लगातार फतेहपुर से तीसरी बार मिशन लोकसभा के लिए टिकट मिला है और टिकट मिलने के बाद आज मंत्री पहली बार फतेहपुर पहुंची जहां कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव का जमकर निशाना साधा। पिछले भी तो मिले थे, 17 में दो नौजवान मिले थे, क्या हुआ था? हमारी एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में 335 सीटें लेकर के आई थी, तो जनता का मूड दो लड़के नहीं भाप पाएंगे, उनको अपना परिवार दिखाई पड़ता है। ठीक है, तेजस्वी की बात की उन्होंने, तेजस्वी और अखिलेश, तेजस्वी अखिलेश कोई भी हो चाहे राहुल हो, सब मिलकर लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े हैं, यहाँ भी गठबंधन से ही लड़े थे और एक बड़ी बड़ी दोनों पार्टियां थी, बसपा और सपा दोनों लड़ी थी। मुझे लग रहा है कि 24 के बाद ये गठबंधन करना भूल जाएंगे। बाराबंकी से मौजूदा बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। सांसद ने वीडियो संदेश और सोशल साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए वायरल वीडियो को एडिटेड बताया है। उन्होंने कहा कि डीप फेक AI तकनीक का उपयोग कर राजनीतिक छवि को धूमिल किया जा रहा है। साथ ही उपेंद्र रावत ने निर्दोष साबित होने तक सार्वजनिक जीवन में कोई भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। प्रमुख राजनीतिक विरोधियों के द्वारा मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये वे लोग हैं जो राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, किनारे हो गए हैं। दोबारा मुझे टिकट मिलना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए ये जो है एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है और ये AI तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है। कभी किसी का पुराना वीडियो उस पर चेहरा मेरा लगाया गया है, ये AI तकनीक का कमाल है। मैंने इसके लिए FIR भी दर्ज करा दी है, जांच चल रही है। जिन लोगों ने ये घिनौना कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। मैंने ये पुलिस से भी पूछा है तो पता चला है कि विवेचना ठीक रास्ते पे चल रही है, जल्दी ही वो गिरफ्त में आएंगे। और करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। मथुरा में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, हादसे में मासूम समेत 4 लोग झुलसे, घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर में शटल सेवा का ई रिक्शा चालकों ने जमकर किया विरोध, SP ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर हल निकालने के दिया आश्वासन। रायबरेली में बेमौसमी बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ाई, फसल बर्बाद होने से चिंतित हैं किसान। कानपुर में रमजान को लेकर शुरू हुई तैयारियां, साफ सफाई करने की गुजारिश के लिए जमीयत उलेमाए उपाध्यक्ष ने पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। फतेहपुर में अस्पताल से गायब है डॉक्टर, कंपाउंडर के सहारे चल रहा अस्पताल, इलाज के लिए लोगों को उठानी पड़ रही मुश्किलें। एटा पुलिस को मिली सफलता, अवैध कच्ची शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, अवैध कच्ची शराब बनाने की भट्टियां भी नष्ट की। लखनऊ में पुलिस प्रशासन ने की पीस कमेटी की मीटिंग, महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। आगरा में सांसद राजकुमार चाहर बने बीजेपी प्रत्याशी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, अपनी मां के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। कानपुर में चोरों ने घर को बनाया निशाना, लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ, खाटू श्याम के दर्शन करने गया था परिवार। लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल ने 11 मीडिया सेल के पदाधिकारियों की घोषणा की, भूपेंद्र चौधरी को बनाया गया राष्ट्रीय संयोजक।